welcome back students before explaining this unit i will introduce you to the theme and summary of the unit the scripts charts the life of omar khayyam from his childhood to his youthful years and mentions the little we know of his early life and education his work as a teacher his rise to fame as a mathematician astronomer and poet, and how he devised a calendar. It also tells us about the court politics during those times. So then now open your book, unit number 7, page number 81. Science star Omar, do you know the planets in our solar system? One planet was removed from the list. Do you know which planet it was and why? Children, its name is Pluto. Before explaining this lesson, let me tell you a brief summary about the natural world and the vastness and mystery of the universe. Venus is one of the biggest stars in the night sky. It is the brightest either just before sunrise or just after sunset. So, it is sometimes called the morning star or the evening star, too. In some ways, it is similar to the Earth, despite its closeness to the Sun, because it is made up of rock and metal. Other terrestrial planets, apart from Venus and Earth, are Mercury and Mars. They all have mountains, gorges, or valleys, volcanoes, and volcanic craters. Unlike Venus, Jupiter is a gas giant and the largest planet in our solar system. It is mainly made up of hydrogen and some helium. There are often storms on Jupiter, the great red spot being the most famous. It has a huge area, two or three times bigger than the Earth, where there seems to be a continual storm. Saturn, Neptune, and Uranus are also composed of gas. Now, moving back to the unit, point number one Omar Khayyam was born in Khorasan in Persia, now known as Iran. नथिंग इज़ नोन अबाउट इज फैमिली बट द नेम यहाँ पर बताया जा रहा है कि उमर ख़याम जो थे वो पैदा हुए खुरासान में परशिया में जो आ, आजकल के ज़माने में पुराने ज़माने में उसका नाम परशिया था आजकल के ज़माने में उसे ईरान के नाम से जाना जाता है और इनकी जो फ़ैमली थी वो बहुत वेल नोन या बहुत फ़ेमस फैमिली नहीं थी ख़यामी मीन्स टेंट मेकर खयामी जो उनका सर नेम है उसके मायने टेंट मेकर के लफ्जी मायने जो है टेंट मेकर के हैं सो मे बी डेट वॉट हज़ फैमली डेड फॉर लिविंग जैसा कि हर फैमिली हर इंसान जो है ज़िंदा रहने के लिए ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ अर्न करता है तो यहाँ ख़याल ज़ाहिर किया जा रहा है कि शायद उनका काम टेंट बनाना था यंग उमर मस्ट हैव हैड अ गुड एजुकेशन बट ही बिकेम अ टीचर विद एन इंटरेस्ट इन साइंटिफिक सब्जेक्ट उमर छोटा जो उमर था उसको बहुत ज्यादा एजुकेशन अच्छी हासिल करता बिकॉज ही बिकेम अ टीचर उसको इंटरेस्ट भी था विद एन इंटरेस्ट इन साइंटिफिक सब्जेक्ट क्योंकि Uh, उसको साइंटिफिक uh, सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट uh, था और वो एक टीचर बन गया एक उस्ताद बन गया बिट बट ही फाउंड इट हार्ड टू स्टडी लेकिन उसको मुश्किल लगता था स्टडी करना ही लेटर एडमिटेड दैट एज अ टीचर वाज सो बिजी टीचिंग ही हैड लिटिल टाइम टू फाइंड आउट अबाउट द सब्जेक्ट ही सपोज टू बी टेलिंग चिल्ड्रन अबाउट अच्छा बींग ए टीचर हालाँकि वो बहुत अच्छा टीचर था स्टिल उसको हार्ड लगता था उसको मुश्किल लगता था अपनी लिए स्टडी का टाइम निकालना डस्ट यो टीचर हैव दिस प्रॉब्लम एंड डेयर यू आस क्या uh, बच्चों आपसे आपके टीचर को भी ऐसा सच ऐसा, ऐसा कोई प्रॉब्लम है कि उनको अपने लिए अपना होमवर्क प्रिपेयर करने के लिए या अपनी लेक्चर uh, के लिए टाइम नहीं मिल पाता और क्या आप जरूरत कर सकते हैं डेयर कर सकते हैं उनसे ये बात पूछना वट डू यू नो अबाउट उमर फ्राम दिस पैराग्राफ यहाँ पर एक राइट साइड पर क्वेश्चन लिखा हुआ है तो मेरा ख़्याल है कि आपको एनफ इन्फॉर्मेशन मिल गई है इस पैराग्राफ के बाद कि उमर कहाँ पैदा हुआ और उसका फैमिली का जो आम, अर्निंग या प्रोफेशन था वो क्या था और हालांकि वो बहुत एक गुड स्टूडेंट था स्टिल वो अच्छा टीचर भी था लेकिन उसको क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता था स्टडी के लिए इसलिए जो है वो न, आ, उसको मुश्किल लगता था स्टडी करना उसको बीइंग अ टीचर स्टडी का टाइम नहीं मिल पाता था पॉइंट नंबर टू एटलीस्ट उमर मैनेज टू फाइंड टाइम टू राइट अ बुक ऑन अल्जबरा एंड अनदर ऑन म्यूजिक गिवन अ बिट लॉन्गर ही माइट अ बुक ऑन म्यूज़िकल मैथ अब यहाँ पर एक हैरान कन बात यह है कि हालांकि उसको स्टडी के लिए टाइम नहीं मिल पाता था लेकिन ऑब्वियसली उसका इंटरेस्ट एजुकेशन में और टीचिंग में था कि इतने कम वक्त के बावजूद उसने मैनेज कर लिया एक बुक उसने अल्जब्रा पे लिखी एक और बुक उसने म्यूज़िक पे लिखी और एक और बुक उसने म्यूज़िकल मैथ्स के बारे में लिखी म्यूज़िकल मैथ्स मींस बियॉन्ड द बेसिक यूज़ ऑफ़ मैथमेटिक्स एंड म्यूज़िक थ्योरी एंड नोटेशन सच एज़ कोड्स टाइम सिग्नेचर्स और Dotted half notes. Representing a count of three, music has also been the source of research in many areas of mathematics, such as abstract algebra, set theory, and number theory. Around 1070, Umar made friends with an important judge, Abu Tahir. The judge must have been into maths because Umar dedicated two more books on algebra to him. अराउंड वन थाउजेंड के उमर ने अपने बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छे दोस्त बनाए जिनमें एक जज जो था वो अबू ताहिर था और अबू ताहिर का इंटरेस्ट में भी मैथ्स में बहुत ज़्यादा हो क्योंकि उमर ने अपनी दो मज़ीद जो बुक्स थी जो किल्जब्रा पे थी उसके नाम डेडिकेट कर दी उमर्स वर्क फ़ॉर द जर्ज अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द सुल्तान जलालदीन जलालद्दीन एंड द सुल्तान गेव उमर द जॉब ऑफ लुकिंग आफ्टर हिज एस्ट्रोनिकल ऑब्जरवेट्री अब उमर का जो एक काम था उसने अट्रैक्शन जो थी किस को अट्रैक्ट किया उसकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कराई सुल्तान जलालद्दीन की तोज्जो अपनी तरफ उसका इतना काम इतना अच्छा था कि उसकी तवज्जो ख़ुद ब खुद बहुत उसकी तरफ मबजूल हो गई और सुल्तान ने उमर को अपनी जो एस्ट्रानिकल जो ऑब्ज़र्वेटरी थी उसको उसकी टेक केयर के लिए उसमें काम करने के लिए उसको एक जॉब ऑफर कर दी मूव टू पेज नंबर एटी टू उमर वॉज अ वेरी हैप्पी was uh, sorry omar was very happy and he spent the next 18 years tracking the movement of over 100 stars and this is how he made his crucial calendar omar obviously omar ka interest or isme uh, usne apni अगले 18 साल जो था उसने ट्रैक करने में उसके मूवमेंट स्टार्स की मूवमेंट को देखने में ऑब्जर्व करने में गुजार दी हंड्रेड स्टार्स की ट्रैकिंग और, ट्रैक ट्रैकिंग में मतलब उसकी मूवमेंट को देखने में गुजार दी और इस तरह से दिस इज़ हाउ ही मेड हिज क्रूशल कैलेंडर सीन फ्रॉम द अर्थ सीम्स टू मूव अराउंड अर्थ ड्यूरिंग द ईयर अब अर्थ से ज़मीन पे जहाँ हम रहते हैं हम लोग वहाँ से हमें स्टार जो हैं पूरा साल जो है मूव करते हुए नज़र आते हैं बाय थाउजेंड सेवेंटी नाइन उमर हैड एनफ इन्फॉर्मेशन फ्राम अट्टार गेजिंग टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट लेंथ ऑफ अ ईयर अब वन थाउजेंड सेवेंटी नाइन तक उमर के पास स्टार गेजिंग की वजह से ट्रैकिंग आ, स्टार्स की मूवमेंट की ट्रैकिंग की वजह से उसके पास जो थी उसने कैलकुलेट कर पाया उसने शुमार कर लिया उसकी समझ में आ गया कि ईयर की साल की जो एग्जैक्ट लेंथ है वो क्या है इनफैक्ट ही वुड जस्ट ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो 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 टू डेज़ रॉन्ग हो सकता है कि वो ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो 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 टू डेज़ जो है दिन रॉन्ग हो दिस मेन दैट इफ़ यू फॉलोड अ कैलेंडर रॉन अप बाई उमर यू वुड फाइंड इट वॉज वन डे आउट इन फाइव थाउजेंड ईयर और प्रेजेंट कैलेंडर इज एक्चुअली लेस एक्ूरेट दैन उमर्स बिकॉज इट लूज वन डे इन थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड थर्टी थ्री इयर्स मे बी जो हमारा प्रजेंट कैलेंडर है जिस पे जिसको हम फॉलो कर रहे हैं वो लेस एक्रेट हो क्योंकि उमर ने थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड थर्टी थ्री डेज में से एक दिन लूज़ कर दिया था एक दिन उसने शुमार करना वो भूल गया था उमर एडवाइज़ है सुल्तान टू रीच एक द कैलेंडर टू फिट इट इन विद हिस न्यूली कैलकुलेटेड ईयर बट दैन थिंगस बिगैन टू गो रॉन्ग अब उमर ने एडवाइज़ किया सुल्तान को कि वो री अरेंज करे रीच एक मीन्स री अरेंज यू एक वो अपना जो कैलेंडर है दोबारा से री अरेंज करे लेकिन उसके साथ ही चीज़ों ने बिगड़ना शुरू कर दिया फर्स्ट द सुल्तान डाइट पहला आ, जो बड़ा हादसा हुआ वो ये हुआ कि सुल्तान की डेथ हो गई उमर थॉट थिंग्स कुड कैरी ऑन बिकॉज ही वॉज अ पॉल ऑफ द ग्रैंड वीजियर द पर्शियन प्राइम मिनिस्टर अच्छा उमर ये सो अपने तई ये सोच के बैठा था कि क्योंकि वो पॉल ऑफ ग्रैंड था मतलब पॉल मीनस फ्रेंड पर्शियन प्राइम मिनिस्टर का जो वज़ी अज़म था पर्शिया का उस टाइम का आ, उसका बहुत अच्छा दोस्त था इसलिए वो समझा कि शायद चीज़ें उसी तरह से जारी रहेंगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ बदकस्मती से ऐसा नहीं हुआ बट द सुल्तान क्वीन्ड पावर शी शिक्वर विद य एंड ही वॉज़ मर्डर्ड बाय मिस्टीरियस किलर जो सुल्तान की जो मलिका थी जो क्वीन थी उसने सारे जो पावर्स थे तो वो अपने हाथ में ले लिए उसने वज़र से लड़ाई भी की और उसके बाद जो वजियर था जो प्राइम मिनिस्टर था उसकी अचानक से एक मतलब पुरस्ार तौर पर उसकी डेथ हो गई एनी फ्रेंड ऑफ दिज वियर वॉज नॉट एग्जैक्टली फ्लेवर ऑफ द माउथ विद द क्वीन उमर्स ऑब्जर्वेटरी वॉज क्लोज डाउन अब क्या हुआ कि जो भी उसके जो फ्रेंड्स थे और उमर जो उसका बहुत अच्छा दोस्त था प्राइम मिनिस्टर का उनमें से कोई भी जो था वो क्वीन की नज़रों में अच्छा नहीं था और इसी तरह से क्या हुआ कि उमर की जो ऑब्जर्वेटरी थी वो बंद हो गई उमर रोटा बुक क्लेमिंग दैट द एशियंट रूलर्स ऑफ पर्शिया व रियली नाइस पीपल कांड हार्टेड एंड जनरस्ट स्पेशली टू एस्ट्रोनॉमर्स लाइक उमर उमर ने मजीद एक बुक लिखी उस ज़माने के एंशंट मतलब पुराने ज़माने के ओल्ड पर्शिया जो कि अब ईरान के नाम से जाना जाता है कि उसके जो रूलर्स थे उसके जो हुक्मरान थे वो बहुत काइंड हार्टेड बहुत नरम दिल बहुत सखी जनरस थे स्पेशली एस्ट्रोनॉमर्स माह माहिर फल्कियात जो के uh, सितारों के बारे में का इल्म होता है माह फल्कियात के साथ बहुत अच्छे थे ऑन टू पेज नंबर एटी थ्री but the queen was definitely not amused by this unsubtle hint and not surprisingly Umar was never given another job Now, um, jo the queen thi, obviously bahut uh, woh zalim bhi thi aur um, thi, jo acha nahi samajhti prime minister ke jitne friends the aur woh is uh, cheez se bilkul uh, khush nahi hui aur omar uh, ko कोई जॉब ऑफर नहीं की गई और ना कोई जॉब उसको मिली वन ऑफ़ उमर्स जॉब उमर टू ड्रा अप हॉस्कोप बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ द स्टार्स टू फॉर्टिल दॉन सॉरी टू फॉर्टिल द फ्यूचर फॉर इम्पोर्टेंट पीपल एक और जॉब जो उमर परफॉर्म किया करता था वो न, आ, मतलब मुस्कबिल के बारे में आ, जानने का इल्म था हॉरस्कोप जो है मतलब इल्म नजूम या ज्योतिष इसम को कहते हैं और वो जो इम्पोर्टेंट पोजिशन पे लोग थे जो ली क्लास थी उनके बारे में वो फ्यूचर बताया करता था उनके मुस्तबिल के बारे में बातें बताया करता था यू वेस्ट लोट्स ऑफ टाइम ऑन दिस इवन दो ही सीक्रेटली डिड नाट बिलीव इन इट उसने इस चीज़ पर इस इलम पे ज्योतिष पे बहुत ज़्यादा वह ज़ाया किया हालांकि अंदरूनी तौर पर अपने तौर पर सीक्रेटली वो इन सारी चीज़ों पे बिलीव नहीं करता था ऑफ़ कोर्स पीपल स्टेड बिलीव इन दिस प्रैक्टिस आज भी शायद लोग इस चीज़ पर यकीन रखते हैं नोन एज एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी कहते हैंजूम ज्योतिष जो है बट यू वुड नवर कैच अ मॉडर्न साइंटिस पीपिंग एट दियर हॉरस्कोप इन द पेपर लेकिन अगर आज कल के ज़माने में या मॉडर्न दौर का कोई भी साइंटिस्ट है उसको आप, दे, आप देखें कि वो अम, योडियक साइन याम नजू या ज्योतिष के बारे में कभी भी वो आपको बात करता हुआ या उन आ, उसमें झांकता हुआ नज़र नहीं आएगा थैंक यू स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे